नगर पालिका परिषद में खुलेआम रिश्वत लेकर सफाई कर्मचारी को रखा जा रहा है। जो पैसे देता है उसे सफाई के काम पर रख लिया जाता है, जो गरीब पैसे नहीं दे पाता उसे नहीं रखा जाता है। 70 से 80 हजार में ठेके में रख लिया जाता है। ये गोरख धंधा काफी समय से नगर पालिका परिषद नजीबाबाद में खुलेआम चल रहा है। इसी को बंद करने को लेकर काफी समय से धरने पर बैठे ओपी कीला जी का कहना है कि चेयरमैन का लड़का जमींदारों का मार्फत 70 से 80 हजार रुपए लेकर सफाई कर्मचारी को ठेके पर रखता है। जिस किसी के पास किसी बड़े अधिकारी का भी लिखा हुआ हो उसको भी नौकरी पर नहीं रखा जाता है। केवल पैसे के बल पर ही ठेका सफाई कर्मचारी को मोटी रकम ऐड कर रखा जाता है। आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, किस मांग को लेकर बैठे हैं आप यह धरने पे? हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे घर में रोजगार नहीं है, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे पति के पास भी कोई नौकरी नहीं है कि हम भी नौकरी करें नगर पालिका के अंदर आके। हम जब भी नौकरी के लिए आते हैं यही बोलते हैं कि जगह नहीं है। अगर तो जगह नहीं है तो दूसरा कर्मचारी क्यों रखा जा रहा है, उसको निस्बत लेके रखा जा रहा है। हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है। डेढ़ 80 हजार भी दे सकते हैं, हमें 1 लाख भी दे सकते हैं। हम 3 बार रखे गए लेकिन 3 बार में भी हमारे लिए कोई निर्णय नहीं मिला। काम करा लेते हैं फिर से हटा दिया जाता है हमें। ये आप पे एसडीएम साहब का भी लिखा हुआ लाए थे, बताते हैं आप? जी, हम एसडीएम साहब का आदेश करा के लाए थे। हम अपने तीनों बच्चों को लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि सुरेखा देवी को कभी भी नौकरी से हटाया ना जाए, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। कि आप किसने बोला था आपको कि इसको हटाया ना जाए? एसडीएम साहब ने आदेश करा था मेरे लिए, ये कहा था कि उनको देना, ईओ साहब को देना। ईओ साहब के मैंने जैसे हाथ में दिया, ईओ साहब ने कहा ये मत आना नौकरी के लिए, यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है। मैंने कहा सर आप एक बार इसको पढ़ तो लीजिए। कहा नहीं हमें नहीं पढ़ना, उठाओ इसको और अपना काम करो। जैसे जाके कोई नौकरी उकरी नहीं है, नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं है। जब नगर पालिका के अंदर इतना बजट नहीं है सर, तो क्यों रोजगार दिया जाता है? जो पैसा देता है 1-1 लाख रुपया देता है निस्बत खाके, और चेयरमैन का लड़का रखता है कि हमें 80 हजार रुपया मिलेगा या 70 हजार रुपया मिलेगा, तो उनको क्यों रखा जाता है? क्योंकि हमारे घर में हमारे बच्चों के खाने के लिए रोटी नहीं है, तो हम कहाँ से देंगे उसको इतना पैसा? हमें भी तो रोजगार की जरूरत है, हैं? अभी हाल फिलहाल कोई पैसे दे के रखे गए हैं? हाँ जी सर, मैं बोलती हूँ कि मैं रखी गई थी, मैं 1 तारीख को रखी गई थी, 4 दिन पहले मुझे रखा गया था जी। और शाम सुबह से लेके शाम तक नए साल से 1 दिन पहले कोई फोन नहीं आया। बाद में इंस्पेक्टर साहब का फोन जाता है, इसलिए का काम पे मत आना। क्यों मेरे लिए मुझे हटा के और 80 हजार रुपए लेके मुझे सुबह में क्यों मना कर दिया गया कि काम पे मत आना? क्या मेरे काम में कमी थी? क्या मेरे किसी भड़काने में कमी थी? अगर जो किसी ने भड़काया है तो मेरे खिलाफ मुझे उसका प्रूफ चाहिए पक्का कि किसने मेरे खिलाफ गलत बोला है, किसके कहने पर मुझे हटा दिया गया है। जब तक मेरा मुझे रोजगार नहीं मिलेगा मैं वही लड़की रहूंगी, मैं वही बोलती रहूंगी, क्योंकि मुझे रोजगार की सख्त जरूरत है। मेरे पास 3 बेटे हैं, मेरे घर ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने बच्चों को टाइम पे खाना खिला सकूं। आपके हस्बैंड का कोई काम धंधा? नहीं कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आपके हस्बैंड का नाम क्या? अविनाश। आपका नाम? ओम प्रकाश अकेला। सर आप यहाँ पर काफी दिनों से धरने पे बैठे हो, ये किन किन मांगों को लेके किस वजह से धरना प्रदर्शन किया हुआ है? हम पहले अप्रैल से बैठे हैं, जो शासकीय आदेश है चेयरमैन बेईमान भ्रष्ट नौकर साहब उन्हें पूरा नहीं करते। सरकारी आदेश है कि हर घर में एक रोजगार हो, यह किसी को रोजगार नहीं दिया जाता। जो पैसे दे दे उसे रख लेंगे। जमेदार हैं जितने भी, सबके 9-9, 10-10 आदमी घर के नौकर हैं, कोई काम नहीं करता, कोई हाजिर पर नहीं जाता। लेकिन यह डीएम लिख दे, एसडीएम लिख दे, उन आदमी को नहीं रखा जाता, क्योंकि वो सेवा नहीं कर सकते, पैसा नहीं दे सकते। सरकारी आदेश है 240 दिन जिनने काम कर लिया उसे स्थायी किया जाए, ये किसी को स्थायी नहीं करते। मुसलमान जितने भी हैं बाबू हैं सब अवैध रूप से रखे हुए हैं, किसी का भी सर्विस बुक देख लो, किसी का प्राइवेट से नाम नहीं आया, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई कमेटी नहीं बैठी। 8वीं पास बाबू बने बैठे, और सफाई वाला बीए पास है, एमए पास है, वो झाड़ू लगा रिया। क्या इनका जो 8वीं पास आप कह रहे हैं, तो क्या इनका एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट वगैरह कुछ? वो सर्विस बुक में सब लगा हुआ। अगर हर आदमी की सर्विस बुक देखेंगे, ये 13 आदमी ऐसे हैं जिनकी सर्विस बुक देखने से पता चल जाएगा ये फर्जी तौर पर रखे में, चाहे वो चपरासी है या वो बाबू है।
चेयरमैन साहब कहते हैं, कुछ इधर महिलाएं भी हैं जो कि एसडीएम साहब से भी लिखवा कर लाई थी, उनका भी लिखा हुआ हो, कमिश्नर का लिखा हुआ हो, चेयरमैन बेईमान की कानून का कोई जोड़ी नहीं थी, उसका लौंडा सीधा जमेदार के मार्फत पैसे लेता है। अच्छा। जो चेयरमैन का लौंडा है वो मेंबर के जो हमारे हैं जमेदार उनकी मार्फत जो पैसे लेते हैं, जो पैसे देगा उसके घर के 10-10 रख रखे, और जो पैसे नहीं देता उनके घर का एक आदमी भी नहीं। पैसे कितने चल रहे हैं सर रिश्वत के? वह पैसे की मत पूछे बेटे, जैसी जिसकी जेब भारी वैसी उसकी तैयारी। हाँ, और सर यहाँ और भ्रष्टाचार के क्या क्या बोलना चाहेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर? जितनी भी दुकानें बनी हुई हैं कोटे के अनुसार एक भी दुकान नहीं दी गई, ना बैकवर्ड को दी गई, ना हैंडीकैप को दी गई, ना SC ST को दी गई। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करा दे, कह मैं जी नगर पालिका की स्थिति खराब है, अरे मेंबरों ने कैसे कब्जे कर लिया जमीनों पे? जितनी पॉपुलेशन थी पुरानी सब पे जो कब्जे करवा दे, जितनी ऑक्ट्राई थी सब पे कब्जे।